स्वागत वंदन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत जो मैं आपको गद्यांश पढ़ा चुकी हूँ उसी पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित है ना। आप हम इसके पाठ के जो प्रश्न उत्तर उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे प्रश्न दिया है, छोटे चौपाने चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। क्या आएगा? छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का निहार्थ यह है कि कभी अपने कागज को किसी किसान के चौकोर छोटे खेत के समान ही मानता है। कभी का मानना है कि कभी कर्म वास्तव में कृषि कर्म के समान ही है। जिस प्रकार कोई किसान अपने खेत में बीज की बुवाई करके उस पर कड़ी मेहनत के साथ फसल उगाता है, उसी प्रकार एक कवि भी अपने चौकोर कागज रूपी खेत पर विचार रूपी बीज बोकर तथा कल्पना रूपी खाद पानी देकर उस पर एक उत्तम साहित्यिक कृति को जन्म देता है। इस पूर्ण विकसित वृक्ष रूपी साहित्यिक कृति में से रस रूपी फलों की ऐसी अमृत धारा निकलती है कि पढ़ने वाला काव्य रसिक उसका रसपान करके आनंदित होता है। इसलिए कवि ने किसी छोटे चौकोने खेत को अपने लेखन कार्य के कागज के पन्ने के सदृश माना है। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का अर्थ निहित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। देखिए यहाँ पर उमा शंकर जोशी कृत संकलित कविता छोटा मेरा खेत के संदर्भ में अंधड़ भावनात्मक आवेग की आंधी और बीज विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रतीक है। कवि का मानना है कि भावनात्मक आवेग से कवि के मन में एक विचार उदित होता है। इसमें कल्पना की उड़ान भरकर कवि एक काव्य रचना का सृजन करता करता है। अब आता है रस का। अक्षर पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया? तो उत्तर क्या आएगा? रस का अक्षर पात्र लिखकर कवि ने रचना कर्म की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। कवि के अनुसार उत्तम साहित्य रूपी फल से अलौकिक अमृत धाराएं निकलती हैं। दिव्य रस का यह पात्र कभी भी रिक्त नहीं होता है। इसको जितना भी खर्च किया जाए वह खत्म नहीं होता है, अर्थात इसकी प्रवृत्ति अक्षय है। कवि के अनुसार किसी भी उत्कृष्ट कृति का रसास्वादन पाठक अथवा रसिक वर्ग युगो युगों तक करते हैं। रामचरितमानस एवं गीता इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। खेत में उपजा खाद्यान्न तो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एक सुंदर साहित्यिक कृति का अमृत रूपी रस चिरकाल तक सभी के लिए क्या रहता है? सुलभ रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दिया है यहाँ पर कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे और क्यों की है। अब देखेंगे आप यहाँ उत्तर कि कवि उमा शंकर जोशी ने कवि कर्म को कृषि कर्म के समतुल्य माना है। उनका मानना है कवि और किसान दोनों का कार्य एक समान ही है। जिस प्रकार कोई किसान अपने खेत में क्या बीज बोकर अथक परिश्रम के बाद फसल उगाता है, उसी प्रकार एक कवि भी कागज रूपी खेत पर विचार रूपी बीज बोकर कल्पना रूपी खाद पानी देकर एक उत्तम साहित्यिक कृति की रचना करता है। अतः कवि कवि कर्म को कृषि कर्म के समतुल्य मानता है। अब यहाँ पर कविता में फल रस और अमृत धाराएं किसकी प्रतीक है? तो उमा शंकर जोशी कृत संकलित कविता छोटा मेरा खेत
कविता में फल रस अमृत धाराएं किसके प्रतीक है? तो उमा शंकर जोशी कृत संकलित कविता छोटा मेरा खेत में कवि ने फल रस और अमृत धाराओं को कविता के सौंदर्य के रूप में माना है। कवि का मानना है कि एक उत्तम काव्य रचना में से सार रूपी एक ऐसी अक्षय अमृत धारा निकलती है जिसका आनंद काव्य रसिक युगों युगों तक क्या करते हैं, युगों युगों तक लेते हैं। अब यहाँ कवि के अनुसार काव्य सृजन में कल्पनाशीलता का क्या महत्व है? ठीक है, तो कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार विचार रूपी बीज को जब कागज रूपी खेत में बोया जाता है तो उसे परिष्कृत पल्लवित करने के लिए कल्पना रूपी खाद्य की आवश्यकता पड़ती है। बिना कल्पना की उड़ान के कोई भी काव्य रचना साकार रूप नहीं ले सकती है, इसलिए कविता अथवा किसी भी काव्य रचना का सृजन कवि की कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है। कवि अपनी कल्पनाशीलता के बल पर वहां भी पहुंच सकता है जहां तक सूरज भी नहीं पहुंच पाता है। कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चलिए अब आता है प्रश्न कि रस अलौकिक से कवि का क्या अभिप्राय है? तो देखिए यहाँ उत्तर, काव्य सृजित रस अलौकिक ही होता है, उसकी जो तुलना है किसी भी सांसारिक अथवा भौतिक आनंद से नहीं की जा सकती। सांसारिक व भौतिक रस जहां मात्र हमारे शरीर को ही आनंद प्रदान करते हैं, वहीं कविता में सन्निहित अलौकिक रस हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंतस में उतरकर मन को तृप्त करता है, इससे आत्मिक तृप्ति होती है। ठीक है, फिर इसलिए कवि द्वारा काव्य रस को अलौकिक और क्या कहा गया, अर्थात दिव्य कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए है कि प्रश्न, शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या अभिप्राय है? यहां उत्तर देखिए, कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत की मिट्टी में बीज रोपने से कुछ दिनों पश्चात उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, उसी प्रकार काव्य सृजन के रूप में खेत के सदृश कागज पर विचार रूपी बीज पड़ते ही उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं। विचार रूपी बीज से शब्द रूपी अंकुर का फूटना काव्य सृजन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। अब यहाँ दिया है पाती बंधी में कवि का क्या आशय है? देखिए यहाँ पर उत्तर है, पाती बंधी से कवि का अभिप्राय है कि पंक्तिबद्ध होना। कवि कहता है कि काले काले बादलों वाली पृष्ठभूमि में सफेद बगुले अपने पंख फैलाए पंक्तिबद्ध होकर क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और दूसरे भाव में कि पाती बांधी से आशय एकता के सूत्र में बंध कर रहना भी हो सकता है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बगलों के पंख वाला जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों को मैंने क्या किया, आप लोगों को पढ़ाया और समझाया। आप लोग इसको परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और याद करेंगे।